अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निसार और आप देख रहे हैं फरहान निसार ऑफिशियल। आज से हम इस चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो क्रिकेट कोचिंग से मुतालिक है। और बिल्कुल ये मत घबराइए कि मैं कोचिंग करूंगा, मैं बिल्कुल भी कोचिंग नहीं करूंगा, जो कोचिंग है वो हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे। और इसलिए हमने इस सेगमेंट का नाम रखा है एक्सपर्ट को पता है। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फास्ट बॉलिंग के मुतालिक, और फास्ट बॉलिंग के जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास। तो आइए उनके पास चलते हैं और उनसे सीखते हैं कि गेंद को स्विंग करना हो तो कौन सी ग्रिप बेहतर होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज मैं बात करूंगा कि बॉल को ग्रिप कैसे किया जाता है कि जब आउट स्विंग किया जाए और जब इन स्विंग किया जाए। तो जब आउट स्विंग करने के लिए आपको अपने रिस्ट लॉक करनी पड़ती है और उसकी जो सीम पोजीशन है उसका थोड़ा सा फेस आप स्लिप की तरफ करेंगे और उसको रिस्ट को लॉक करेंगे और उसको फिनिश करेंगे अपनी बगल की तरफ। और जब इन स्विंग करेंगे तो रफ साइड को फाइन लेग की तरफ कर लेंगे और आप जाके अपने रिस्ट को जब मारेंगे तो उस तब जो है ना आपकी इन स्विंग होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फरहान निसार यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और उसको फॉलो करें। थैंक यू। तो जी मोहम्मद अब्बास से आपने जाना कि फास्ट बॉलिंग की ग्रिप क्या होती है, स्विंग बॉलिंग के लिए गेंद को कैसे पकड़ना चाहिए। और अगले एपिसोड में आप क्या जानना चाहते हैं, किस एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोचिंग से मुतालिक हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहिए। तो फरहान निसार ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए।